हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जितने भी बिहार बीएड के छात्र हैं, सभी को पता है कि बिहार बीएड 25 जून को प्रस्तावित है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा है। ऐसे में दोस्तों, मिथिला विश्वविद्यालय पूरे जोर शोर दमखम के साथ बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 25 जून को कंडक्ट कराने के लिए प्रयासरत है। लगातार काम चल रहा है और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि 25 जून को ही परीक्षा कराई जाए। लेकिन समस्या आ रही थी काफ़ी सारी, आवेदन की संख्या भी बहुत ज़्यादा आई है और ऐसे में छात्रों की भी डिमांड थी कि एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जाए। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया आपके लिए कि बात वहाँ तक पहुँचे, और आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव हो। ठीक है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सेंटर सिटी जारी कर दिया गया है। किस किस शहरों में परीक्षा होगी, आपका किस शहर में परीक्षा होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और न्यू एग्ज़ाम डेट क्या है, डेट बढ़ाई जा रही है या नहीं बढ़ाई जाएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक तो बनता है, सभी लोग लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। दूसरी चीज़, हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ अपडेट नहीं दी जाती है, पढ़ाई भी कराई जाती है, एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही है बिहार बीएड की। चैनल पर जाकर देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी चीज, कौन कौन स्टूडेंट चाहता है कि एग्ज़ाम डेट में थोड़ा और टाइम मिले, एग्ज़ाम डेट टल जाए, कमेंट में लिख के जरूर बताना। साथियों, जैसा कि पता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी 25 जून को ही परीक्षा कराने के लिए प्रयासरत है, तो आपको 25 जून मान के ही तैयारी करना है। अगर 25 जून को परीक्षा होती है तो आज है 15 जून, आपके पास अभी भी 10 दिन शेष बचे हुए हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, आपने लापरवाही की है या आप अपना टाइम नहीं दे पाए हैं पढ़ाई को, आप अब सीरियस हुए हैं, अब आपको चिंता सता रही है कि शायद मेरा साल बर्बाद हो जाए, और लाजमी है अगर आप अच्छे से अपने समय को यूटिलाइज नहीं करोगे तो इस बार लाखों छात्र एडमिशन नहीं पाएंगे। रीज़न यह है, 37,000 सीट है, 2.5 लाख आवेदन है, 37,000 में सिर्फ 5,000 गवर्नमेंट सीट है, बाकी के आपके 32,000 प्राइवेट सीट है। सोचो, टोटल जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया वो सभी थोड़ा ना एडमिशन पा जाएंगे। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। प्राइवेट, हर बार गवर्नमेंट सीट के लिए कंपटीशन होता था, इस बार प्राइवेट सीट के लिए भी कंपटीशन है। तो मेहनत करना पड़ेगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो, तो अभी भी वक्त है, 10 दिन बचा है। केवल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ो भाई, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल लास्ट डेज रिवीजन नोट्स हमने तैयार किया है, जिसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, यहां तक कि टीचिंग एप्टीट्यूड के भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो सीधा एग्जाम में फंसेंगे। 25 क्वेश्चन आता है, सारे सब्जेक्ट कवर किए गए, जनरल अवेयरनेस हो गया या फिर हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सब मिलेगा आपको इसमें। प्रैक्टिस भी मिलेगा और प्रीवियस पेपर भी मिलेगा। कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ाई को, 1-2 घंटे ही निकाल पाते हैं, तो आप इस नोट्स को जरूर परचेज कर लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट करा देगा और इतने मार्क्स गेन कर लोगे आप कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आपका साल बर्बाद ना हो। ठीक है, तो आप लोग भैया इस नोट्स को जरूर परचेज कर लेना। आपने बहुत तैयारी कर लिया है, बहुत पढ़ लिया है, फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद ना डेफिनेटली आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैंने कवर कर लिया है ओवरऑल हर चीज़ों को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इस नंबर पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 175 रुपीज़ में बिहार बीएड का कंप्लीट सिलेबस का नोट जरूर ले लीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा कि सर, मुझे बिहार बीएड का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पर दी जाएगी। अभी भी 10 दिन बचे हैं, सोचो मत, सिर्फ 175 है इसकी कीमत। अगर एडमिशन मिल गया तो थैंक यू जरूर बोलोगे। बहुत सारे छात्र यूपी बीएड के कैंडिडेट इससे हेल्प लिए हैं और बेहतरीन प्रदर्शन रहा उनका। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम सिटी को लेकर। यहां पर दोस्तों सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है, कौन कौन से शहरों में आपकी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट में लिख के बताएं कि आप बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, अपने जिला का नाम बताएं। अगर आपके जिले में परीक्षा कंडक्ट होगी तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं आरा जिले में परीक्षा होने वाली है, ठीक है, तो आरा जिले के कौन कौन कैंडिडेट हैं कमेंट में बताइएगा। फिर भागलपुर में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, भागलपुर, और जिस हिसाब से आप लोगों ने प्रायोरिटी दी होगी, जिस हिसाब से हमने चॉइस किया होगा सेंटर का, उसी हिसाब से अलॉट किया जा रहा है सेंटर। और हाँ, इस बार नया नियम है कि महिलाओं का सेंटर अलग रहेगा और पुरुषों का सेंटर अलग किया जाएगा। पहले रहता था लड़के लड़कियों का, दोनों को सेंटर अलॉट किया, एक ही सेंटर में अलॉट कर दिया जाता था, लेकिन अब एक केंद्र पर सिर्फ महिलाएँ रहेंगी, एक केंद्र पर सिर्फ पुरुष रहेंगे, लड़के रहेंगे, ठीक है। और
छपरा में भी आयोजित होने वाला है, दरभंगा में भी होने वाला है, गया में भी परीक्षा केंद्र बनेगा, हाजीपुर में बनेगा। आपका शहर का नाम है इसमें या नहीं है कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं है तो आपका कौन सा शहर है हमें कमेंट में लिखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों माधेपुर में भी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा, मुंगेर में भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, पटना शहर में भी बनाया जाएगा और पूर्णिया में भी बनाया जाएगा। इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने चूज़ किया है वो मुजफ्फरपुर और पटना में फर्स्ट चॉइस दिया है कि हम यहाँ पर परीक्षा देना चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके शहर का नाम इसमें है, ज़िले का नाम इसमें है या नहीं है। नहीं है तो कमेंट में बताना कौन सा ज़िला है आपका। और भी सेंटर लिस्ट अभी बनाए जा रहे हैं, सेंटर बनाए जा रहे हैं क्योंकि आवेदन की संख्या ज़्यादा है, तो हो सकता है अभी कुछ और शहरों के नाम यहाँ पर जोड़े जाएं। तो आप लोग अपने शहर का नाम कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर है इसमें तो अच्छी बात है, नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि सर क्या इस शहर में नहीं होगा परीक्षा। ठीक है, तो मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो भाई लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर हम बात करें परीक्षा तिथि को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा तिथि बदलाव को लेकर 2 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 17 तारीख को एडमिट कार्ड आने की संभावना है, 25 जून को अगर परीक्षा होती है तो। ठीक है, तो अगर 17 तारीख तक नोटिस आ गया, एग्ज़ाम डेट टल गया तो ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड आ गया तो फिर परीक्षा 25 जून को ही होगा। तो कौन कौन चाहता है कि परीक्षा तिथि में बदलाव हो कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाओ। जैसे ही एग्ज़ाम डेट चेंज होता है या एडमिट कार्ड आता है तो आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आगे भी आपको काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, फीस कितनी है, इन सभी की हेल्प और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। मुझसे बात कर सकते हो। तो जितने भी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं भैया, मुझे भी फॉलो कर लो, टीचर्स को भी फॉलो कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो। ये मेरा यूज़र आईडी सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना और जो भी आपके बात हैं, जो भी आपके सवाल हैं, मैसेज कर देना, मैं आप सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ समय बिल्कुल लगवाओ, एक एक दिन, एक एक घंटा आपके लिए कीमती है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर परचेज कर लो अगर आप बिहार बीएड में एक सीट रिजर्व करना चाहते हो तो, वरना भैया इस साल तो बहुत सारे बच्चे निराश होने वाले हैं। लाजमी है भाई, 37,000 सीट है, हर कीमत पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे तब भी अगर पीछे रह गए, 37,000 के बाहर चले गए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बार सीटें कम है बिहार में, आवेदन की संख्या ज़्यादा है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को प्राप्त करें और आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी किया करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तभी आगे स्टूडेंट तक बात पहुंचेगी और एग्ज़ाम डेट वगैरह को लेकर भी यहां पर और ज़्यादा मेजॉरिटी बनेगी। ठीक है, तो सभी लोगों की उम्मीद है तैयारी पूरी हो रही है धीरे धीरे। नहीं पूरी हुई है तो निराश मत हो, बचे हुए दिनों में अपना पूरा दमखम लगा दो। ठीक है, लास्ट में ये ना रहे परीक्षा के बाद कि हाँ मैंने लापरवाही की या बचे हुए दिनों में मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जो भी समय बचा है उसमें आप लोग पूरा कोशिश करो। ये ना सोचो मैंने इतने दिन बर्बाद कर दी, अब 10 दिन में क्या पढ़ पाऊंगा। पढ़ पाओगे, एटलीस्ट इतने नंबर तो ला ही सकते हो कि अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज करें और नोट्स को लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।